वास्ते रेढोला, अरे वास्ते रेढोला, नैं मारे जागे रे जागे, नैं जागे रे जागे, नैं जागे, तुम्हारो कौन लागे। फिर बिना जिंदगी ये क्या होगी, दरा रा रा रा, तुमने दिया। गुड इवनिंग। आई हैव नो आइडिया। वी जस्ट से नॉर्मल डायलॉग्स, लाइक स्वागत नहीं करोगे आप हमारे, इट्स नॉट अ डायलॉग, इज दैट प्लीज वेलकम मी, बट दैट बिकेम अ हिट। एंड दिस इज नॉट हैपेंड फ्रॉम माय टाइम, इट वाज हैपेंड फ्रॉम माय फादर्स टाइम। सो लाइक वेन एवर माई फादर रोड अ डायलॉग, दैट बिकेम एन हिट। आई मीन फॉर एग्जाम्पल, कितने आदमी थे, इट्स नॉट अ डायलॉग, इट्स यार इज आस्किंग कि कितने आदमी थे, सो दैट बिकेम अ हिट डायलॉग। अरे ओ सांभा, सो इट वॉज नॉट अ डायलॉग, इज कॉलिंग आउट अ सांभा, बट दे ऑल बिकम आइकॉनिक डायलॉग्स, यू नो। तो आई डोंट नो व्हाट द फैंस पिक अप, व्हाट दे लाइक, वी जस्ट डू व्हाटएवर इज देयर इन द फिल्म, एकदम सिंसियरली जो भी लाइंस हैं, जो इम्प्रोवाइज करते हैं एक्सेट्रा, वो स्क्रीन प्ले के हिसाब से होता है। फिर वहाँ से फैंस क्या, बच्चे लोग क्या उठाते हैं, वो वी डोंट नो। ऐसा नहीं कि एक डालेंगे इसको हैमर करेंगे, यू नो, वैसा कुछ नहीं होता है, दैट इज नॉट प्लान्ड एट ऑल, नो। Deliberately, which are being hammered or emphasis उनके ऊपर है, लेकिन जो एक फिल्म की थॉट है, या अगर आपको किसी चीज़ में यकीन है, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि लेकिन ये थॉट ही बहुत सुंदर है, क्या अगर आपको किसी चीज़ पे यकीन है और अगर आप उसको दिल से चाहते हो और अगर वो एक सच्ची चीज़ है, तो वो आपसे अचीव हो सकती है। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ फेथ, इट्स व्हाट अ स्टेटमेंट इज दैट इफ यू हैव फेथ यू कैन मूव माउंटेंस। सो वही फिल्म का जो बेस है और जो ट्रेलर्स में आपको दिखाई दे रहा है, सो आई सपोज दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थॉट और वही लोगों को पसंद आ रहा है। बेसिकली यू नो यू शुड बिलीव दैट यू कैन यू नो टेक योर लेवल हायर ईच डे ईच मोमेंट। That is the only one thing that one should have that belief in. Ki hogi? Pata nahi. But jis din wo script maine suna, to aisa hota hai ki you know, aap jab aap ek script sunte ho, to agar aap us script mein apne aap ko nahi dekh pate, to ideal cheez ye hai ki no matter how beautiful the script is, you should not do it. Or then you have to work that much hard, you know, to visually see yourself in that movie. So every film that I've done is jab mere paas ek koi script aati hai and if I like it, first when the narration happens, I need to see myself doing it. Jab tak ki I don't see myself doing it, I don't sign a movie. To iske andar ek jab ye Kabir ne mujhe sunana shuru kiya hai, is film ke andar मैंने धीरे 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 अपने आप को देखना शुरू किया। भाई हैं, बेशुमार मोहब्बत है दोनों भाइयों के बीच में, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। एक भाई बड़ा है जो कि ट्यूबलाइट है, एक छोटा भाई है जो कि समझदार है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उसकी, ये सिमिलैरिटीज हैं। हाँ, जब कबीर ने हमें कहानी सुनाई तो उसने यही कहा कि अगर मैं किसी और एक्टर को लेता तो ये भाइयों का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे वक्त लग जाता, लेकिन सलमान और सोहेल को लेने से ये एडवांटेज होता है कि आप पहली फ्रेम से ये दिखा सकते हैं कि आप ये भाई है। तो इसलिए उसने इस्टेब्लिश करने को उसने थोड़ा टाइम नहीं वेस्ट किया, इस फिल्म को आगे बढ़ाना था। इस फिल्म में बहुत से लेयर्स है, भाइयों का प्यार है, देश के लिए प्यार है, थोड़ा सा जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट है वो है,
एक बहुत प्योर लव स्टोरी जो है जो सलमान भाई और सुजु की है, फिर जो बेटे जो मार्टिन का जो कैरेक्टर है, तो इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। तो ही हैड टू कम टू द पॉइंट, फिल्म तो है सिर्फ 2 घंटे 15 मिनट की या 20 मिनट की, तो ये सब चीज़ अचीव करना एक डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि सिर्फ इतने वक्त में ये सब लेयर्स को जस्टिफाई करना। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द क्राइटीरियाज दैट अगर ये दो रियल लाइफ के अगर दोनों भाइयों को ले लें तो एटलीस्ट उसमें इनको ज़्यादा टाइम नहीं इस्टेब्लिश करना पड़ेगा टू इस्टेब्लिश द लव इन बॉन्डिंग। सो अरबाज़ भाई उन बहुत बेस्ट। सो एज अ डायरेक्टर नाउ सिंस अरबाज़ डज़न्ट वांट टू डायरेक्ट, okay, so I would say that Sohail is a better director because he's more patient. Okay, Sohail ke saath aap improvise kar sakte ho, lekin Arbaaz panic ho jata hai. Arbaaz ka BP upar niche hona shuru ho jata hai. So now this time we're going to start Dabang 3. This is very good, but I am not going to direct it. I'll produce it. So I said very good. We'll find a good director for that. See. We all want our movies to do well, okay? So we all want our movies to break records, and then somebody else's movie should come and break ours, and we should break theirs again. So this is how the industry will grow. But agar aisa kuch feedback aa jata hai ke it's thoda sa mixed report hai, then we pray ke कम से कम नुकसान हो। पहले तो ये चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा फायदा हो और फिर कि कम से कम फ्लॉप हो, दैट इज ताकि कोई इसमें पैसे हारे नहीं। पहले हिंदी को तो रिलीज होने दे भाई, कहाँ कहाँ चाइना पहुँच गया तुम, चीन पहुँच गया यार। पहले हिंदी का देखेंगे फ्यूचर, अभी 23 को रिलीज है, एंड इफ आर ऑडियंसेस लाइक द फिल्म, हंसते हैं, इन्जॉय करते हैं, रोते हैं साथ में, यू नो जुड़ जाते हैं फिल्म से, कनेक्ट हो जाते हैं फिल्म से, और फिर जाके रिपीट देखते हैं, देन वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट। देन चाइना क्या, फिर किधर भी रिलीज कर दें। बहुत बुरा लगता होगा, बहुत बुरा लगता होगा। छी हाईएस्ट पेड एक्टर, छी गुड लुकिंग, छी इसका जवाब देना ज़रूरी है। हाँ, पहले तो ये बात गलत है, ये बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि मुझसे ज़्यादा हाई पेड हैं, और उनकी फिल्मों ने मुझसे ज़्यादा बिजनेस किया है, एक तो ये है। बाकी का जो आप बोलते हो कि गुड लुक्स, कभी मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं, ये मेरे माता पिता की देन है, और जो जो फिल्म में जो कर रहा हूँ मैं, उसका जो इमेज है वो मेरे पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। मी ऑन माय ओन जस्ट नॉर्मल, आई थिंक आप मुझसे अच्छे देख लेते हो, जस्ट दैट कि आप कैमरा के पीछे हो, जरा दिखा देना भाई प्लीज़, कैमरा घुमा दो, पोज भी मार लिया फटाक से, पोज भी मार लिया, कैमरा घूम गया तो पोज भी मार लेता हूँ यार। ये है, नो वी नॉट टच दैट, वी नॉट, वी जस्ट यूज एज अ बैकड्रॉप, we've not gone into that, we've just gone into this, just touch it ke jaldi khatam ho jaye taaki hamare jawan hamare paas aa jaye aur unke jawan unke families ke paas jaldi se pahunch jaye. So it's basically that ke jab bhi jang hoti hai to dono taraf ke log marte hain, or phir you know their families are without their sons, without their fathers, and they could live their whole lives without them. So matlab aap kisi se bhi pooch lo, anybody, अगर आप जंग अच्छी है या बुरी है, आई डोंट थिंक एनीवन विल से कि जंग अच्छी है, सब यही बोलेंगे कि जंग एक बुरी चीज़ है, और जब उसको यू कैन, जो भी डिस्कशंस है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, अल्टीमेटली वो अक्रॉस द टेबल ही सॉल्व किए जाते हैं। सो इट्स अ नेगेटिव इमोशन, सो व्हेनेवर वी हैव सीन एनीथिंग, इट्स ऑलवेज बीन, nobody has supported it, but it still happens. Happens and, a lot. And nobody knows why. Happens a lot. आज आप किसी को ही पूछ लो। I think जो order करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए कि ये लो भाई बंदूकें पकड़ो, पहले आप लड़ो, एक दिन के अंदर बंद हो जाएगा, पैर कांपने शुरू हो जाएंगे, हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे, और
सीधे टेबल के ऊपर आके जो भी डिस्कशन हैं वो हो जाएंगे. इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यू जस्ट नीड टू कीप ऑन गेटिंग योर लेवल हायर एंड हायर ईच कमिंग मंथ, ईच कमिंग ईयर, ईच मोमेंट. सो दैट इज़ जस्ट द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव राइट नाउ. दिस इज़ नॉट, हाँ वो भी इसको आप इसको फिटनेस में भी फिट कर सकते हो कि एवरी वन थिंक्स लाइक यू नो के फिट बॉडी एंड एवरी थिंग, सो नाउ आई नीड टू गेट दैट फिटनेस लेवल हायर. इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको कहीं पर भी घुसोड़ दो.